हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। एंड इस वीडियो में वी विल डिस्कस ऑब्वियसली अबाउट आवर एग्जाम्स। और आई होप आप लोगों की एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन इट, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू डू इट। सो आज हम बहुत ज़्यादा कॉमन टॉपिक नहीं है, बट आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज एन UPSC aspirant for us to focus on it. So आज topic क्या है, finally coming to it. So I will discuss five important things जो हमें in our syllabus include करना चाहिए on daily basis. And ये सब चीज़ें मुझे तो particularly specifically बहुत ज़्यादा help करती है। I hope आप लोगों को भी बिल्कुल help करेगी। And अगर ये help करती है तो please मुझे बताइए, एंड ऑल्सो दूसरे लोगों को, आपके आगे आपके फ्रेंड्स को भी बिल्कुल बताइएगा। सो स्टार्टिंग विद द वीडियो, फर्स्ट थिंग इज बॉडी। हमारी बॉडी नहीं है तो कुछ भी नहीं है, बॉडी फिट नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हाउ कैन वी कैन स्टडी इफ आर बॉडी इज अनफिट। अगर हमारी बॉडी फिट नहीं होगी तो ऑब्वियसली हमारा माइंड उतना अच्छा वर्क नहीं कर सकता, हमारा 100% माइंड नहीं देगा। सो बॉडी फिट रखने के लिए फर्स्ट थिंग इज ऑब्वियसली फिजिकल एक्सरसाइज। अब फिजिकल फिटनेस कैसे भी हो सकता है, इधर जॉगिंग और रनिंग, कार्डियो, जिमिंग, स्किपिंग, कुछ भी कर सकते हैं हम। तो फर्स्ट थिंग इज फिजिकल फिटनेस। फिजिकली आप फिट रखेंगे आप खुद को तो माइंड भी फिट होगा, फ्रेशन होगा, माइंड फ्रेश होगा तो ऑब्वियसली आप अपना अगर 50% दे रहे हैं, 60% दे रहे हैं एग्जाम्स में तो 100% देंगे। सो फर्स्ट थिंग इज फिजिकल एक्सरसाइज। सेकेंड थिंग दैट आई बिलीव इज इम्पॉर्टेंट इज asking God for his or her favor, या फिर preaching God. Spirituality is very important. तो मैं तो particularly खुद से या तो सुबह या तो शाम को कभी भी पूजा करती हूँ। So second thing is obviously spiritual. अगर हम भगवान से नहीं जुड़े होंगे तो positivity जो life में होती है, मैं positivity के लिए, life के लिए भगवान से बिल्कुल pray करती हूँ, अपना टाइम भगवान को देती हूँ। इतने बड़े दिन में हम अपने 30 मिनट्स 15 मिनट्स तो बिल्कुल भगवान को दे सकते हैं। सो तो सेकेंड थिंग इज पॉजिटिविटी, एंड पॉजिटिविटी हमें भगवान से मिलेगी। तो आपको प्रीच करना है, स्पिरिचुअल रहना है बिल्कुल, तो वो चीज़ आप कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू, मैं अभी अपना खुद का बता रही हूँ, इट वर्क्स फॉर मी बिकॉज। थर्ड थिंग इज अपना डेली अच्छा डाइट रखना, बिल्कुल प्रॉपर डाइट रहेगी तो आप अच्छी तरीके से पढ़ पाएंगे। एंड प्रॉपर डाइट डज नॉट मीन ईटिंग फास्ट फूड्स एंड ईटिंग मच मोर एंड मोर। प्रॉपर डाइट मीन्स न्यूट्रिशन फूड जिसमें प्रोटीन हो, कार्ब्स हो अच्छी, जो हमारे बॉडी को पॉजिटिवली इफेक्ट करे। हमें 24/7 मोस्टली 24/7 में से हमें मोस्टली टाइम पढ़ना होता है, एक जगह बैठे होना होता है। तो उसमें से हम हमारा अगर फास्ट फूड खाते हैं और एक जगह बैठते हैं तो हमारी बॉडी को नेगेटिवली इफेक्ट करेगा। एंड ऑब्वियसली फास्ट फूड इफेक्ट्स नेगेटिवली टू आर बॉडी। तो हमें फ्रूट्स खाने हैं, वेजीज खाने हैं, जूस पीना है, ये सब चीज़ें अगर हम अच्छी चीज़ें कंज्यूम करेंगे तो आउटपुट भी ऑब्वियसली अच्छा आएगा। तो थर्ड थिंग इज प्रॉपर डाइट। फोर्थ थिंग इज मोटिवेशन। मोटिवेशन आप कैसे भी मिल सकता है आपको, अगर मोटिवेशन नहीं होगा तो आई थिंक कि इट विल बी डिफ़िकल्ट जर्नी फॉर यू। क्योंकि अगर हम किसी से बात नहीं करते हैं, अगर किसी से हमारी चीज़ें नहीं शेयर करते हैं तो हमारे लिए खुद के लिए डिफ़िकल्ट होता है। तो आपको अकेले नहीं बैठना है, इट्स पूरी दुनिया, UPSC इज़ नॉट द ओनली थिंग, वी हैव द वर्ल्ड आउटर्स, स्पेस है हमारे पास जहाँ पर हम डिस्कस कर सकते हैं, जहाँ पर हम एंजॉय कर सकते हैं। तो वो मोटिवेशन, वो चीज़ हमें मोटिवेशन देगी, वो चीज़ हमें रिफ्रेश करेगी हमारे माइंड को। तो अगर आप दिन भर में 7-8 घंटे पढ़ते हैं प्रॉपरली तो आप अपना टाइम या तो यूट्यूब वीडियोस के लिए, या तो मूवीज़, या तो फ्रेंड्स, किसी से भी, पेरेंट्स से बात करके कैसे भी आप अपना टाइम को फ्रेशन अप कर सकते हैं, माइंड को फ्रेशन अप कर सकते हैं। सो फोर्थ थिंग इज मोटिवेशन। फिफ्थ थिंग इज सेल्फ एनालिसिस। आपने दिन भर में क्या करा है, क्या नहीं करा है, कहाँ लैक करा है, कहाँ पॉजिटिविटी था, वो थिंग यू नीड टू फोकस अपॉन। आपने कहाँ अच्छा करा है और कहाँ अच्छा नहीं करा है, वो दोनों चीज़ को आपको फोकस करना चाहिए। सो फिफ्थ थिंग इज सेल्फ एनालिसिस। सो फर्स्ट वॉज द फिजिकल एक्सरसाइज, सेकेंड प्रॉपर डाइट, थर्ड मोटिवेशन, स्पिरिचुअलिटी, पॉजिटिविटी एंड सेल्फ एनालिसिस। ये पांच चीज़ें आई थिंक मेरे लिए बहुत ज़्यादा वर्क करती है, एक्सेप्ट
स्टडीज, वो तो ऑब्वियसली वी हैव टू डू दैट। तो ये पांच चीज़ें से आपका और ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस होगा अपने एग्जाम के लिए एंड अच्छा ह्यूमन बींग फील होगा। आप स्टूडेंट अलग जगह हैं एंड एक पर्सन, एक इंडिविजुअल सोल है आप, तो वो चीज़ एक अलग है आपकी, उसको बिल्कुल जिंदा रखना है अपने अंदर। सो वो चीज़ को आपको ध्यान रखना चाहिए एंड आई होप ये चीज़ें आपको बिल्कुल काम आएगी एंड आप लोगों इंक्लूड करेंगे अपनी लाइफ में। एंड इफ इट वर्क्स फॉर यू प्लीज लेट मी नो एंड आई होप कि ये सब चीज़ें आपको पॉजिटिवली इफेक्ट करें। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज एंड आई होप, थैंक यू सो मच, सी यू।